आज हम रिव्यू करेंगे हाल ही में प्रकाशित हुई हिंदी उपन्यास इब्ने बतूती का, जिसके लेखक दिव्य प्रकाश दुबे हैं। इसको प्रकाशित किया है हिंदी युग्म ने। अमेजन पे इसका प्राइस 140 रुपये है और इसके पृष्ठों की संख्या 184 है। यह लेखक की पांचवी किताब है। इसके पहले इन्होंने 4 बेस्ट सेलर किताबें लिख चुके हैं। किताब के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि बात से बाद की बात, मैंने अभी तक जो भी लिखा है उसके पीछे मजाज साहब का एक शेर एज गाइडेंस फिलॉसफी काम करता रहा है। जमाने से आगे तो बढ़िए मजाज, जमाने को आगे बढ़ाना भी है। कोशिश यही रही है कि कुछ ऐसी बात कही जाए जो इस दुनिया को थोड़ा आगे लेकर जाए। हालांकि यह बात कहना आसान है और उसको उतार पाना उतना ही मुश्किल। उसी कड़ी में अगली कोशिश है इब्ने बतूती। यह कहानी है एक लड़के राघव की और उसकी माँ सालू की। कहानी पहले पेज से ही माँ बेटे के स्नेह में डूब जाती है। जैसे जैसे एयरपोर्ट पास आ रहा था, सालू का बेटे के लिए दुलार बढ़ता जा रहा था। उसने राघव को अपने सीने से चिपका लिया था, जैसे जानवर पैदा हुए बच्चे को अपने पास चिपका लेते हैं। इस दुलार से राघव के बाल बार बार बिगड़ रहे थे। राघव उनको बार बार सही कर रहा था। अरे यार अम्मा, बाल खराब हो रहे हैं। अभी होने दे खराब, एयरपोर्ट के अंदर जाकर एक बार तो ठीक कर लेगा, अब कहाँ बाल खराब कर पाऊँगी। यार अम्मा, तुमने प्रॉमिस किया था कि अब जाते हुए सेंटी नहीं मारोगी। चुप कर, भाड़ में गया तेरा प्रॉमिस, तू रोज़ रोज़ अमेरिका थोड़े जाएगा, पता नहीं अब कितने दिन में आएगा। ऐसा था इनका प्यार। बताते चलें कि कहानी की शुरुआत इसी पेज से होती है और आखिर भी इसी सीन के साथ ख़त्म होता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है 3 महीने लखनऊ में, जहाँ पर सालू अपने बेटे के साथ रहती है। सालू कृषि विभाग में ऑफिसर है। सालू खुले दिमाग की और खुश मिजाज महिला है, इसीलिए राघव की प्रेमिका निशा का उसके घर आना जाना उसको बुरा नहीं लगता और वह उसे अच्छे से व्यवहार करती है। 3 महीने बाद राघव को विदेश जाना है। यह बात न तो सालू को अच्छी लग रही है और ना ही निशा को। दोनों राघव के साथ काफ़ी समय बिता लेना चाहते हैं। राघव के पिता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। एक दिन एक संदूक के बारे में बात करते हुए राघव पूछता है तो सालू बताती है कि यह संदूक उसके पिता के हॉस्पिटल के कागजात इसमें है। लेकिन राघव किसी तरह संदूक को पाता है और उसमें कुछ लेटर पाता है। उसने देखा कि सालू चोरी छिपे किसी कुमार आलोक नाम के इंसान को पत्र लिखती है और आलोक ने भी ढेर सारे पत्र सालू को लिखे हैं। इसे राघव गुस्सा हो जाता है और सारे पत्रों को पढ़ने के बाद उसे सच्चाई पता लग चलती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है दिल्ली के हिंदू कॉलेज में, जहाँ पर सालू एक 20 साल की लड़की है। सालू ग्रेजुएशन के साथ साथ थिएटर और नुक्कड़ नाटक भी खूब जम के कर रही है और एक दिन उसकी मुलाकात होती है कुमार आनंद से। कुमार आनंद यहाँ पर UPSC की तैयारी करने आया है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और इनको प्रेम हो जाता है। आलोक सालू से वादा करता है कि UPSC क्लियर होने के बाद वह उससे शादी के लिए घर पे बात करेगा। आलोक को खत लिखना पसंद है और जब भी उसको सालू से बात करनी होती थी तो वह उसको खत लिखा करता था। वह उसे प्यार से इब्ने बतूती बुलाता था। मेरी इब्ने बतूती, देखिए आपका नाम सही ही रखा था हमने, आपके पैर में चक्कर लगा है। कल तक यहाँ थी और आज पता चला कि आप बिना मिले कैंप में चली गई हैं। हमसे ज़्यादा किस्मत वाले तो वो गांव वाले हैं जो रोज़ आपको देख रहे होंगे। आप जल्दी से आइए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हम सोच रहे थे कि अगर अगले साल हमारा सिलेक्शन हो गया तो आपके घर वालों से मिलकर हम शादी की बात कर लेंगे। लंबी चिट्ठी लिखने की हमारी तो आदत है, लेकिन आप ही कहती हैं कि लंबी चिट्ठी मत लिखा करो। जल्दी आइए, आपके इंतज़ार में आपका कुमार आलोक। इन दोनों हंसों के प्यार के परवान के बीच एक दुर्घटना घटी। सन 1990 में VP सरकार ने मंडल आयोग को मंजूरी दे दी। आरक्षण के विरोध में पूरे देश भर में सवर्णों ने खूब जमकर बवाल काटा, कई जगह आत्मदाह किए गए। सालू ने भी आरक्षण के विरोध में नुक्कड़ नाटक किए, लेकिन आलोक इसके पक्ष में था क्योंकि वह दलित था। उसने सालू को समझाने की कोशिश की लेकिन सालू नहीं मानी और धीरे धीरे दूरियाँ बढ़ती चली गईं। कुमार आलोक को बहुत परेशान किया जा रहा था हॉस्टल में, इसलिए उसने कॉलेज छोड़ देने का मन बना लिया। यही उसने सालू को आखिरी खत में लिखा। इधर राघव के विदेश जाने की डेट नज़दीक आ रही थी। वह सालू को खुश देखना चाहता था। वह सालू को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए चाहता था कि किसी से वह शादी कर ले। इसलिए राघव और निशा ने सालू को बिना बताए एक मैट्रिमोनियल साइट से सालू के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया था, प्रोफेसर
मुखर्जी का रिश्ता। राघव के जिद करने पर उसकी खुशी के लिए वह प्रोफेसर मुखर्जी से मिलने जुलने लगी थी, लेकिन प्यार वह बस आलोक से करती थी। और एक दिन राघव के ज़बरदस्ती करने पर उसने सारी कहानी बताई कि कैसे उसने आलोक को किसी तरह रोका और उसका UPSC क्लियर करने में मदद की। और फिर आलोक इनके घर भी गया था और इसके माता पिता से बात भी की, लेकिन उनके माता पिता ने उसे लोअर कास्ट का बताकर उसे शादी करने से मना कर दिया और उसे मारा पीटा। सालू भाग जाना चाहती थी लेकिन भाग न सकी। अब राघव जाते जाते आखिरी बार आलोक से मिलना चाहता था, यही उसकी अंतिम ख्वाहिश थी। और फिर शुरू होती है आलोक को ढूंढने की यात्रा, और यहीं से कहानी एकदम से रोमांचक हो जाती है। आलोक को दिल्ली में, बोधगया में, बहुत सी जगहों पर खोजा गया, पर कहानी कुछ और ही कहना चाहती थी। क्या ये लोग आलोक को खोज पाएंगे? क्या सालू अपना अस्तित्व पुनः पाएगी? क्या राघव का सपना पूरा होगा? ये सब जानने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और जब आप पूरी कहानी पढ़ लोगे तो लेखक ने आपसे 3 सवाल किए हैं। पहला, अगर आपके परिवार में किसी महिला के साथ वही हुआ होता जो सालू अवस्थी के साथ हुआ तो आप क्या करते? दूसरा, क्या राघव ने जो किया वह सही था? तीसरा, क्या कुमार आलोक ने जो किया वह सही था? चौथा, मान लीजिए आप सालू अवस्थी होते तो बचा हुआ जीवन आप किसके साथ बिताते? इन सारे सवालों के जवाब लेखक आप पर छोड़ते हैं। आखिरी के 20 पन्ने इतने बेहतरीन, इतने कसीले ढंग से लिखे गए हैं कि आपकी नज़रें नहीं हटेंगी। बहुत ही रोमांचक कहानी है, आखिर में तो मज़ा ही आ जाता है। आखिर में लेखक कहते हैं, इब्ने बतूती पढ़ने के बाद अगर एक बार भी आपको ऐसा लगे कि आपको यह किताब अपनी माँ को पढ़वानी चाहिए तो मेरा लिखना सफल हो जाएगा। उम्मीद है कि इब्ने बतूती इस उम्मीद पर खरे उतरे। आपको किताब जैसी भी लगे बताइएगा ज़रूर। इब्ने बतूती आज की कहानी होते हुए भी एक खोए हुए, ठहरे हुए समय की कहानी है, एक लापता रिश्ते की कहानी। कुछ सुंदर शब्द कभी किसी शब्दकोश की जगह नहीं बना पाते, कुछ सुंदर लोग किसी कहानी का हिस्सा नहीं बन पाते, कुछ बातें किसी जगह दर्ज नहीं हो पाती, कुछ रास्ते मंजिल नहीं हो पाते। इब्ने बतूती उन सभी अधूरी चीज़ों, चिट्ठियों, बातों, मुलाकातों, भावनाओं, विचारों और लोगों की कहानी है। एक माँ की कहानी है जिसके बच्चे को किसी के लिए न जाने कितने ही गम अपने अंदर ही दफन कर लिए थे। मुसाफिर कैफे और मसाला चाय पढ़ने के बाद यह तय हो गया था कि इब्ने बतूती भी अंत तक पहुँचते पहुँचते आँखों में नबी तो भर ही देगी। और हुआ भी यहीं, कुछ एहसास बस हमारे अपने होते हैं, आंसू बनकर आँखों से लुढ़क जाते हैं। उन्हें समझ पाना या लिख देना यूं ही आसान होता तो हर कोई दिव्य प्रकाश दुबे हो जाता। इसको पढ़ते हुए आपको सारे किरदार सामने दिखते हैं, जैसे कोई मूवी चल रही हो। आप उसके साथ जीने लग जाते हैं, और पढ़ने के साथ जब आप जीने लग जाएं तो समझ लीजिए यही लेखक के जादूगरी से कम नहीं है। इब्ने बतूती के रूप में एक और जादू दिव्य प्रकाश दुबे ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप इसको पढ़िए और बताइए कैसी लगी किताब। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।